अब देखते हैं हम हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है वो है गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जो है सबसे पहला जो इशू है गवर्नेंस में जो मेन फैक्टर अगर हम उसे कहें तो वो है हमारा करप्शन। करप्शन जो है जिसमें भी किस चीज़ की करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स की, और इसके अलावा मतलब कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड देन उसमें भी कौन कल्चर की इम्प्योरिटी, और इसके बाद जो है पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशंस का ना होना पब्लिक के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से अगर किसी मतलब ना होना किसी भी दरमियान, ये जो है कुछ इश्यूज़ है जिसमें से फर्स्ट जो था करप्शन मैंने डिस्कस किया, करप्शन में भी ये कुछ चीज़ें। उसके बाद जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में भी जिसमें फॉर एग्जांपल जो शुरू से पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब जा रही हैं, जिसमें से मेन रोल जो है वो मिलिट्री कॉर्प्स ने प्ले किया, और इसके बाद जो है वो वीक सिविलियन गवर्नमेंट्स जो थी वो भी चलती आ रही हैं। जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल कि नवाज शरीफ का दौर आया था, फिर से बेनज़ीर भुट्टो का दौर आ गया, फिर से बेनज़ीर भुट्टो का मतलब कि एक से ज़्यादा उनका टाइम पीरियड जो है वो टिक नहीं रहा गवर्नेंस का, तो ये भी जो है वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। फिर डिस्ट्रप्शंस गवर्नेंस प्रोसेसेस में, यही सेम, और इसके अलावा क्रिएट्स एन अनसर्टेन इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो है वो किरदार अदा करती हैं। फिर इसके बाद जो है लेक ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं किया जाता अप्लाई। जिस तरह से अगर हम दूसरे ममालिक का सिस्टम देखें, अगर आप सऊदीया का ही सिस्टम देख लें या किसी भी मुस्लिम मुल्क का जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनमें रूल ऑफ लॉ जो है वो मेन इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमारे मुल्क ने ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं गवर्नेंस में। फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व भी जो है हमने सबने साथ में करना है। ऐसे नहीं कि सब पे इल्ज़ाम लगा दें और हम साइड पे होके बैठ जाएँ, ये नहीं होगा। फिर पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस के, जिन पे जो इम्पैक्ट है वो किन चीज़ों की वजह से पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एबिलिटी टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है हमें, जिसमें सबसे पहले डिस्कशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पे आएगा कि हर सिस्टम में जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत लाजिम होती है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो उसके बड़े से लेकर लास्ट तक अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ना किया जाए या अकाउंटेबिलिटी ना रखी जाए कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, अपना काम कोई सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सारा मैकेनिज्म जो है वो तबाह हो सकता है इसी वजह से। तो ये एक तो अकाउंटेबिलिटी की कमी है, और इसके अलावा पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स पर नहीं है। जिस तरह से अगर इंसाफ के लिए अगर कोई चाहता है कि वो कोर्ट में जाए, तो उसमें भी जो है वो इंसाफ उनको नहीं मिलता जो मजलूम है, बल्कि जालिम जो है वो इंसाफ के लिए मतलब कि दिखाते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है कि हमने ये मतलब ये किसी गरीब को जो है वो कम करना, और जो जो अमीर है वो उनको ज़्यादा इंसाफ मिलना, सारी चीज़ें कुछ हैं ऐसी। और फर्दर हम इतना डिटेल में जाके कुछ नहीं कहना चाहते, जनरल बात है कि जो है सिंपली अकाउंटेबिलिटी की ओवरऑल हर इंस्टीट्यूट में कमी है, और एंटी करप्शनिस्ट जिस तरह से नैब और दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, तो इनको इनमें भी जो है वो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। जिस तरह से अगर वो काम करते हैं फिर उन्हीं को कहा जाता है कि वो भी करप्ट हैं और वो जो है वो फेवरेटिज्म पे काम कर रहे हैं। फिर है फंडामेंटल राइट्स, बैक टू बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी राइट्स हैं ह्यूमंस के वो दिए जाएं, जिसमें से वाइल पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और इक्वालिटी जिसकी बेस पे पाकिस्तान बना था, वो जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए सबको। बिफोर द लॉ देर आर द चैलेंजेस इंश्योरिंग दीज राइट्स एंड अपहोल्ड इन प्रैक्टिस, इशू सच एज फॉर एग्जाम्पल कि ब्लास्फेमी के लॉज और रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम पे जो औरतों पर जो है वो देहाती उसमें लगाई जाती देहाती इलाकों में लगाई जाती है कि वो पढ़ नहीं सकती या फिर इतना नहीं पढ़ना,
तो ये चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंस रखती हैं गवर्नेंस में। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट करनी चाहिए। अगर आप रिसेंटली एग्जांपल्स लें, ये सऊदीया जैसा मुल्क जो हमेशा से वुमेन्स को जो है वो पर्दे में रखता था और ज़्यादा वो जो थी इन्वॉल्व नहीं होती थी किसी मामला में, लेकिन अगर अभी आप जाके देखें तो हरम पाक में और इसके अलावा एयरपोर्ट्स और दूसरे सिस्टम में भी वुमेन्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आसानियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान जो है वो जेंडर डिस्पैरिटीज़ को फेस कर रहा है, बहुत सारी जेंडर डिस्पैरिटीज़ को, जिसमें से एजुकेशन में भी औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ज़्यादा सीट्स जो हैं वो वुमेंस को नहीं मिलती। फिर है एफर्ट्स टू प्रमोट वुमेंस एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। तो करने के तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव्स लेते हैं, और जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट तो अपनी पॉलिसीज़ और ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, लेकिन आगे हमारा भी कुछ काम है, जैसे कि फैमिलीज़ का और एजुकेशन का फैलाने का, प्रमोट करने का। तो एवरी इंडिविजुअल जो है वो पाकिस्तान में वो भी अपना अगर किरदार अदा करें तो मुल्क जो है वो आगे जा सकता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको SDGs कहते हैं। पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कुछ गोल्स मिले हुए हैं कि वो अपनी जो है वो बेसिक जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करे, और जो यही गोल्स अगर वो अचीव कर लेता है तो वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ सकता है या डेवलपमेंट उसकी अच्छे से हो सकती है। जिसमें से सबसे पहला जो उसको दिया गया है गोल वो है पॉवर्टी को एलिविएट करना, गुर्बत को ख़त्म करना अच्छे तरीके से, ये गुर्बत बिल्कुल भी ना रहे कंट्री में। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें क्लाइमेट चेंज के जैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करना, और एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, कि हेल्थ का भी जो है वो ख्याल रखना लोगों की, और एजुकेशन को भी प्रमोट करना और एजुकेशन के लिए एफर्ट्स करना। तो ये कुछ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए हैं। अगर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स बोल दिया हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एफर्ट्स टू एड्रेस दीज चैलेंजेस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस अक्रॉस गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो ओवरऑल जो भी मतलब कि प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, इन सब का काम है और गवर्नमेंट का भी, कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इन गोल्स को अचीव करने में उनको ओवरकम करें और जो है वो अपना अपने गोल्स जो हैं वो कंप्लीट करें। सो दैट्स ऑल फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ PMS सेलेबस। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।